नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में पुलिस अधीक्षक बेतिया को गुप्त सूचना मिली कि कुछ कुख्यात अपराधियों द्वारा बेतिया जिला में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बन रही है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक बेतिया निताशा गुड़िया द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया पंकज कुमार रावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जहां गठित टीम के सदस्यों के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर बेतिया शहर सुप्रिया रोड से विक्की कुमार उर्फ विकुन कुमार, पिता वीरेंद्र साहनी, साकिन मुरारपुर थाना हरसिद्धि, हसमुल्ला, पिता संतू कबारी, साकिन छावनी, बेतिया थाना मनुआपोलोपी, जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया को सुप्रिया रोड से गिरफ्तार किया गया तथा इनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनके और भी सहयोगी साथी हैं, जिन्हें मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानुस्ती से सोनू कुमार, पिता संतोष साह, साकिन कदान बैरिया थाना केसरिया रुस्तम अली, पिता शकील अख्तर, साकिन कवलपुर थाना तुरकौलिया एवं कृष्णनंदन कुमार, पिता भिखू राम, साकिन जमला थाना मुफस्सिल, तीनों अभियुक्त जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। वहीं इन अपराधियों से पूछताछ के क्रम में यह सूचना मिली कि बेतिया शहर में लूट फायरिंग की घटना के अंजाम कर दहशत फैलाने का उद्देश्य इनके द्वारा किया जाना था। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से बरामद 3 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी विकी कुमार उर्फ विकुन कुमार कुछ दिन पूर्व मोतिहारी न्यायालय परिसर में गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था एवं दिनांक 19 जनवरी 2020 को चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़िहार दुर्गा मंदिर के पास एक मुर्गा व्यवसायी से 10,000 रुपया एवं मोटरसाइकिल को हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया जा चुका था। अपराधी विक्की कुमार उर्फ विकुन कुमार मोतिहारी जेल के रिमांड होम से फरार एवं साइको अपराधी हैं तथा इनके ऊपर मोतिहारी जिला में आधे दर्जन से भी अधिक कांड दर्ज है। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो है साइबर क्राइम के अपराध कर्मी आजकल एक नए तरीके से साइबर क्राइम कर रहे हैं। फेसबुक में जा करके आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है उसको ले करके एक नया प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसमें आपके जो एडेड फ्रेंड्स होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनको पुनः से वो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आपके मित्र वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपका ओरिजिनल प्रोफाइल समझ करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एक मैसेज लिखते हैं जिसमें वो ऐसा घटना लिखेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी कोई गंभीर बात लिखते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है। और उसके बाद उस मैसेज में लिखा रहता है एक पेटीएम नंबर जो है या किसी और माध्यम से कोई और अकाउंट का नंबर जो है वो लोग लिख करके दे देते हैं। इसके पश्चात जो है आपसे पैसे की मांग करते हैं और आप उस घटना को ले करके आप गंभीर हो करके